फाइनली गाइस, इंडिया में रियलमी 11 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन के लिए एक ब्रांड न्यू अपडेट है, वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो इस अपडेट के अंदर आपको कौन कौन से चेंजेस और फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं, उसके बारे में तो बात करने ही वाले हैं। प्लस मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इस स्मार्टफोन के अंदर रियलमी UI 6.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 का अपडेट है वो कब तक मिलेगा, क्योंकि चाइना में ये जो अपडेट है ना वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है रियलमी के कुछ स्मार्टफोन के लिए। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इस अपडेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में पहले ही शेयर कर दी गई है Realme UI अपडेट के टेलीग्राम चैनल के अंदर, और आगे से जैसे कोई नए अपडेट्स आएंगे यहां पर आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिलेगी, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। ये जो अपडेट है वो दोनों ही स्मार्टफोन के लिए रोल आउट किया गया है, Realme 11 Pro और Realme 11 Pro Plus। 11 Pro के लिए 800 MB का टोटल साइज का अपडेट है, बाकी जो Realme 11 Pro Plus है उसके लिए आपको 797 MB की अपडेट की टोटल साइज है वो यहां पर मिल जाती है, और अपडेट का जो वर्जन नंबर है ना वो आपको मिलता है 14.0.910। बाकी अपडेट के अंदर आपको इकलौता चेंज लोग है ना वो यहाँ पर ये मिलता है कि अक्टूबर मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर ऐड किया गया है Realme की तरफ से। बाकी आपको किसी भी प्रकार के चेंज लोग है ना वो यहाँ पर इस अपडेट के अंदर नहीं मिलेंगे। सब माइनर चेंजेस हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, जैसे कि ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है वो आपको पहले के मुकाबले थोड़ी स्मूथ देखने को मिलेगी। बाकी ऑप्टिमाइजेशन है ना वो यहाँ पर कुछ की गई है Realme की तरफ से। तो ये ऐसे नॉर्मल अपडेट होते हैं, इनके अंदर कोई बड़ा फीचर है ना वो यहाँ पर ऐड नहीं किया जाता है Realme की तरफ से। अब हम लोग बात करते हैं, आपको ये अपडेट अगर अभी नहीं मिला है तो कब तक मिल जाएगा। तो जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आज की डेट है 29 अक्टूबर, तो ये वाला जो अपडेट है ना वो यहाँ पर लगभग Realme के स्मार्टफोन के लिए आना स्टार्ट हो चुका है। सो आपको बस एक वीक का वेट करना है, 5 नवंबर से पहले पहले ये जो अपडेट है ना वो आपको इंडिया में कभी भी देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं Realme UI 6 का अपडेट है ना वो आपको कब तक मिलेगा। तो चाइना में ये अपडेट है वो आ चुका है, और वहां पर एक शेड्यूल है ना वो भी यहाँ पर रोल आउट किया गया है। तो ये चाइना का शेड्यूल है, इसको मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो आप लोग देख सकते हो Realme UI 6.0 अपडेट का जो रोल आउट प्लान है ना, मतलब कि कौन सी डेट को अपडेट मिलेगा। तो Realme 11 Pro Plus सबसे टॉप में नेम है, और 2025 क्वार्टर वन के अंदर आपको 3 मंथ मिलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो Realme कह रहा है चाइना के अंदर आपको इन 3 मंथ के अंदर कभी भी अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और यही वाला जो शेड्यूल है ना वो आपको इंडिया के लिए भी यहाँ पर अप्लाई होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बस कुछ ही दिन के अंदर इंडियन की जो लिस्ट है ना वो भी आपको मिल जाएगी। तो गाइस आपको वेट करना है फरवरी मंथ का, जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में अपडेट है ना वो आ जाएगा Realme 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के लिए। बाकी आपको फीचर्स के बारे में गाइस जानना है ना, तो काफी सारे नए फीचर्स हैं वो इस अपडेट के अंदर ऐड किए जाएंगे, जैसे कि कंट्रोल सेंटर आपको नया मिलेगा, ऐप ड्रॉवर के अंदर आपको चेंजेस मिल जाएंगे, आइकन्स आपको नए वाले मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर कंप्लीट मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है, आप लोग हमारी इस कंप्लीट वीडियो को वॉच कर सकते हो सभी नए फीचर्स को जानने के लिए, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिखाई दे जाएगी। और ये सभी आइकन्स है वो कैसे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन के अंदर, क्योंकि ये नए वाले आइकन्स हैं Realme UI 6 अपडेट के, तो इसकी भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। वैसे मैंने Oppo स्मार्टफोन के लिए यहाँ पर वीडियो बनाई है, लेकिन Realme के ऊपर भी आपको यही वाला मेथड है वो यहाँ पर मिलेगा। अच्छी लगती है वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।